हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, थोड़ा सा पानी चेंज हुआ है, वेदर चेंज हुआ है तो मुझे प्रॉब्लम हो गई है। हमेशा मुझे प्रॉब्लम हो ही जाती है, कुछ ना कुछ लग ही जाता है दोस्तों। प्रकृति मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। और हाँ, आप लोगों ने देखा मेरे लास्ट व्लॉग में मैं बनारस गई थी और बहुत सारे काम मुझे वहाँ पे करने थे, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप, 45-46 वहाँ का टेम्परेचर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी दोस्तों। और मुझे ना हर पल लग रहा था कि बस किसी तरह भाग के अपने घर पहुँच जाऊँ, किसी तरह यहाँ से चली जाऊँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लगा है। एक तो हर बार मैं बनारस जाने के लिए इतना एक्साइटेड होती हूँ, मेरा मायका है, मेरे भाइयों का घर है, मेरी बुआएं हैं वहाँ पे, मेरे चाचा लोग हैं, सब पूरी फैमिली से मिलने का जो उत्साह होता है, उनके साथ जो टाइम स्पेंड होता है वो एक मेमोरी होती है, वो एक खास पल होता है मेरे लिए। और 2-3 बार से तो ऐसा हो रहा है कि मेरे मम्मी पापा भी वहीं पर मुझे मिल जा रहे हैं, तो हम पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। लास्ट जब मैं गई थी मार्च में, उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी क्योंकि परिवार में 2-2 लोगों की डेथ हुई थी और हम सब उसी के लिए इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे व्लॉग बनाना मैंने उचित नहीं समझा। सोचा था कि फिर नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तब बनाऊँगी। और इस बार जब मैं गई, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, लेकिन दोस्तों सुबह 6:30-7 बजे जो चिलचिलाती सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पे पड़ती है ना, ओ माय गॉड, आप सोच ही नहीं सकते कि आप कुछ कर पाओगे। इस बार बनारस जाना मुझे रास नहीं आया। इस बार जाने के बाद वहां पे पहले तो लग रहा था भागो भागो भागो, दूसरी बात कि आप कहीं घूम नहीं सकते थे। आप एसी में घर में रह सकते हो ना, कूलर में घर में रह सकते हो, लेकिन आप घर से बाहर तो नहीं जाओगे, जाओगे तो आपको यही मिलेगा। इवन हम लोग 8:30 बजे घाट पे पहुंचे तब भी हमें वहाँ पे हीट लग रही थी। और मुझे ना वहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने सोची थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था काशी विश्वनाथ जी के मैं बहुत अच्छे से दर्शन करूँगी, जो मैं मार्च में करके आई थी वही फीलिंग लेके दोबारा से गई थी, तो इस बार जो है दर्शन इतने खराब तरीके से हुए ना कि मेरा मन खराब हो गया। आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और आपको दूर से उनको जल चढ़ाना पड़े, मुझे तो ये बिल्कुल गवारा नहीं है। मैं चाहूंगी दुनिया के किसी भी भगवान का मुझे दर्शन ना मिले, लेकिन काशी विश्वनाथ जी को मैं जैसे टच करके बचपन से उनके हाथ जोड़ते आ रही हूँ वैसे ही मैं करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ। प्लस वहाँ पे जो अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है वहाँ पे सारे श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ प्रसाद में आपको और कुछ नहीं मिलता, थोड़े थोड़े से चावल दिए जाते हैं आपके आंचल में और उसे आप अपने भंडारे में लाके रखते हैं। वहाँ पे जब मैं पहुँची तो पंडित जी मुझसे बोल रहे हैं कि अगर आपको वो चावल चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी चीज मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगी कि जो माता रानी का प्रसाद है, जो बड़े बड़े लोग, हम पुरी जाते हैं जगन्नाथ पुरी तो वहां भी हमें ऐसा कुछ प्रसाद मिलता है जिसे हम अपने भंडारे में डालते हैं, चावल का प्रसाद मिलता है, और अन्नपूर्णा माँ जो सबका पेट भरती हैं उनके प्रसाद के लिए वहाँ के पंडित ने मना किया। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा था कि वो क्लिपिंग उनकी लेके, वो ऑडियो लेके डाल दूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ मुझसे बने, और उसे वायरल करवाऊँ और पंडित को जूते पड़वाऊँ, क्योंकि श्रद्धा आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है जब आपके भगवान का मोल तय कर दिया जाता है, दाम तय कर दिया जाता है। अगर आप 501 रुपये देंगी तो आपको थोड़े पास से दर्शन मिलेंगे, अगर 1000-1200 रुपये देंगी तो आपको थोड़ा और अंदर जाके जल चढ़ाने देंगे, और 5001 का आप निमित्त कर दीजिए, फिर देखिए आपको शंकर भगवान के पैर दबाने के लिए भी मिलेंगे। मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें पैसे दे के उनके दर्शन करूंगी तो मुझे वैसे दर्शन नहीं चाहिए। इतना मन खट्टा हुआ मेरा, इतना मन खट्टा हुआ कि मैं क्या ही बोलूं। अंदर से ऐसी अजीब सी टूटन सी उलझन सी मुझे हो रही थी कि भगवान को ये लोग बेच रहे हैं, इनके ऊपर कहर क्यों नहीं बरसता है, सॉरी। लेकिन अंदर से मुझे ना बहुत अभिशाप मेरे मन से निकल रहा था उन लोगों के लिए जिन्होंने ये व्यवसाय बना दिया। इतनी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, 3-3 घंटे हम लाइन में लगे हैं, उसके बाद अंदर जाने पे हमें भगवान जी के दर्शन भी नहीं होते, इससे तो अच्छा मैं घर में ही कर लेती हूँ। एक तो इन सभी चीज़ों से मेरा मन बड़ा दुखी और बड़ा खट्टा खट्टा सा था, तब से मुझे जो है पता नहीं क्या हो गया है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ठीक से दिखा पाऊँगी कि नहीं, मुझे कुछ स्किन डिजीज हो गया है, इतना ज़्यादा जलन हो रही है, इतना ज़्यादा जलन हो रही है। और ये केवल यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी इस तरफ भी शुरू आई, इस तरफ भी शुरू हो रहा है, बैक में भी हुआ है, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। इतने सारे उपहार जो मुझे मिले हैं ना बनारस में,
इसी से मेरा मन जो है छड़क गया है। और कुछ खास वहाँ की मेमोरी मैं इस बार नहीं लेकर आई, बस घर में हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। हाँ, एक चीज़ मेरे साथ ज़रूर होती है बनारस में, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, सेलिब्रेट भी करती हूँ, और वो है वहाँ का खाना, वहाँ का पानी, जो मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। मैं पिछली बार भी गई थी तो मैंने घर का खाना तो खाया ही नहीं। जितना मैं परहेज 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 करती हूँ, उतने ही मैंने बदपरहेजी की थी। जितना जो खा सकती थी मैंने वो खाया। इस बार भी मैंने सेम यही किया। मैं कभी कड़ी बड़ी ये सब चीज़ें यहाँ नहीं खा सकती, मुझे सूट ही नहीं करती है। बट बनारस में मैंने सब कुछ खाया, कढ़ी चावल और वो सत्तू भरी बाटियाँ, चोखा। चोखा मैंने एवरी डे खाया है। मेरा भाई बहुत बढ़िया चोखा बनाता है, भरता बनाता है बैगन का, और वो मैंने रोज़ खाया। वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और सोचो, मुझे यहाँ पे साल 1.5 साल हो गया, मैंने ज़बान पे नहीं रखा है। और मेरे भाई ने कहा बैगन खरीदने के लिए, तो मुझे बैगन खरीदना ही नहीं आया, क्योंकि मैं कभी बनाती नहीं हूँ, खरीदती नहीं हूँ, तो मुझे नॉलेज ही नहीं है कि किस बैगन से क्या होता है। तो खैर, चलो ये सब तो मेरे माइनस पॉइंट है। लेकिन बनारस में मैं और कुछ कर नहीं पाई, लेकिन खाने को, मैंने फूड को बहुत इन्जॉय किया। भरी गर्मी में जहाँ पे लोग तला भुना नहीं खाते हैं, लाइट लाइट खाना खाते हैं, वहाँ पे हम लोग पनीर भुर्जी, चिली पनीर, बैगन का भरता, सत्तू बाटी, जाने क्या क्या खा रहे थे। सो वो उससे मुझे ना पेट में दर्द हुआ, ना मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम हुई। तो मुझे ये लगा कि बनारस का पानी मुझे 101% सूट करता है। मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली इसलिए वो बस चीज़ें मैंने महसूस की हैं, वो सब चीज़ें इंजॉय की हैं। अदरवाइज तो कान पकड़ने जैसी स्थिति हो गई थी कि भगवान जी, गलती हो गई, इस मौसम में हम आए, लेकिन हमारा काम बहुत अर्जेंट था दोस्त, इस वजह से हमें जाना पड़ा। नहीं, इतनी गर्मी में कौन जाता है, लोग ठंडे ठंडे स्थानों पर जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर है। ऐसी बेवकूफ़ी तो शायद मैं ही कर सकती थी। सो ऐसी ही यात्रा रही कुछ हमारी, और जो थोड़ी बहुत क्लिपिंग ली है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आज है मेरे मम्मी पापा जी का मैरिज डे। मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मेरी सासू माँ यानी कि मम्मी जी का बर्थडे था, और मैं लौट के आई हूँ, उसके 2 दिन बाद उनकी एनिवर्सरी है। तो अब देखिए क्या करते हैं। मेरा जो ये हाल हुआ है यहाँ पे स्किन का बुरी तरह से, तो इसके चलते मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे किचन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोगों को तो ये हल्का सा पोर्शन जो खुला है वो दिख रहा है, पूरी बैक मेरी भरी हुई है। इस तरह के कुछ फफोले टाइप पड़ गए हैं। अब ये क्या है मैं नहीं जानती। मैंने सोचा घमोरियाँ हैं, तो मैंने खूब पाउडर वाउडर जाने क्या क्या चीज़ें लगा ली कि ठंडक मिलेगी, मुल्तानी मिट्टी, चंदन, जाने क्या क्या, लेकिन ये फफोले नहीं है। ये पता नहीं किसी चीज़ का स्किन जो होता है ना रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन है। तो अब रिएक्शन वाली मलहम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हल्की फुल्की राहत है। और ये देखो, ये आज मॉर्निंग में हुआ है, और ये ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ना बढ़ रहा है। दाद नहीं है दोस्तों, मुझे इसमें इचिंग नहीं है, बस जलन हो रही है, रीज़न गर्मी। तो देखो, मलहम से मुझे थोड़ा सा आराम आया, मैं 2 बार मलहम तो लगा चुकी हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। जैसे सब लोग जी रहे हैं वैसे मुझे भी जीना ही होगा, और मेरे साथ तो कुछ ना कुछ संपुट लगा ही रहता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि कल है 21 जून और कल है वर्ल्ड योगा डे। विवेक जी यानी कि उत्कर्ष के पापा बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सुबह से लेके आज भी शाम तक लौटेंगे, कल भी वो मॉर्निंग में ही चले जाएंगे। तो मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी हमेशा इसी तरह उथल पुथल में रहती है। हम कुछ बाहर से कुछ मंगा नहीं सकते, कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो देखते हैं जो घर में करेंगे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, लेकिन कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं यहीं पे ले लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान जी, मुझसे जो नाराज़ हो गए, जो उन्होंने मुझे अच्छे से दर्शन नहीं दिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनारस जाऊँ, मुझे काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन हो जाएँ। और सारी चीज़ों में आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा काम आती हैं दोस्तों, तो बस आशीर्वाद देते रहिएगा। मेरे मम्मी पापा जी को भी आशीर्वाद दीजिएगा। और जाने से पहले, आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।